आज हम ये ड्रेस पहनेंगे क्योंकि आज खास दिन है और खास दिन पर खास ड्रेसिंग की जाती है। तो ये मैंने ईद के ऊपर दो बाय की थी, बल्कि वाइफ की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था। तो आज हम फूफू की तरफ दावत पर जा रहे हैं, तो ये ड्रेस मैं जेब तान करूँगा और फिर जैसे जैसे हो सका व्लॉग रिकॉर्ड होता जाएगा और शाम को आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। तो आप भी मुझे बताएंगे मेरा ड्रेसिंग कैसी है ये वाली। तो मैं नहा के फ्रेश हो गया हूँ, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, तो बाकी घर वाले नहा रहे हैं अभी, तो हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। हमारा दावत जो टाइम है वो दोपहर को है, लंच टाइम है, लेकिन हमारी फूफू ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप पहले आएँ, गपशप होगी, हल्ला गुला होगा। तो फिर अब मैं तो तैयार हो गया, बस बाज़ार से कुछ नाश्ता लेके आऊँगा, बाकी घर वाले कुछ तैयार हो रहे हैं, फिर हम गांव चले जाएंगे और आज का दिन तो वहीं गुजरेगा। तो देखते हैं कैसा माहौल होता है गाँव का, कैसा नहीं, ये तो वहाँ जा कर पता चलेगा ना। तो अब नाइट देखो बाजार जाऊँगा नाश्ता लेने के लिए, फिर देखता हूँ। तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और आपको आवाज़ का शोर तो ना दे रहा होगा। तो जैसा हमारा जैसा एरिया है, इधर रेत ही रेत होती है हर तरफ, ये साइडों में ये दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे बहुत काफ़ी आगे रेत है, उधर से ये रेत उठ के आती है बाज़ारों में, शहरों में, गाँव में। तीसरा राउंड जा रहा हूँ सिटी की तरफ, आपको शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं तीसरा राउंड जा रहा हूँ, आप अपनी वाइफ को और एक भांजी को लेके आऊँगे पूरी घर, पहले भाभी और छोटे वाली भांजी को छोड़ के आया हूँ, आप बड़े वाली भांजी और वाइफ को लेके आऊँगा, और मे भी हो सकता है कि सिस्टर का भी मूड बन जाए आने का, उसका भी घर पास ही है, तो फिर देखते हैं क्या सीन है। मेरा तो आज जो है आउटिंग ऐसे ही गुजर जाएगी। ये मेरे पप्पू ने अपने घर में एक छोटा सा लॉन बनाया हुआ है जिसमें पौधे हैं, ये एक पौधा है, ये अनार का पेड़ है, ये दो पेड़ अनार के, ये खजूर के पौधे हैं, और ये पुदीना लगा हुआ, पुदीना जिसको मिंट बोलते हैं, मिंट, ये जो आम एक बूटी होती है फूल लगते हैं जिसको, ये एलवेरा एलवेरा, और ये आ गया सूरजमुखी, सूरजमुखी ये वाला, ये आपको थोड़ा सा, और आ गए ये कपास, कॉटन का पौधा है, ये बैंगन का, ये भिंडी तोरी का, ये मिर्च लगी हुई है, मिर्च, ये पौधा लगा है। इस पौधे का जो हमारी लैंग्वेज में है, जो हमारी ज़बान में बोलते हैं, इसको मरुआ बोलते हैं, मरुआ, यह बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है, ये भी वही है, ये गुलाब का पौधा है, ये भी कलरदार बूटी लगी हुई है जिसको फूल लगते हैं, और ये जो है ये वो दूसरी है अंजीर, ये देखो अंजीर का पौधा लगा हुआ है, अंजीर लगी हुई है, अभी ये तैयार नहीं हुई, तो कुछ मंथ में तैयार हो जाएगी। ये मेरा भतीजा है, बहुत क्यूट सा प्यारा सा। बेटे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हाँ चाचू मलेशिया। ये भी पौधा लगा, ये भी, और ये कलरदार बेल लगी हुई है, ये भी है, और ये एक पौधा लगा हुआ है, ये मेरी पुप्पू ने अपनी मदद अपने तहत जिसको बोलते हैं वो काम किया हुआ है। ये देखो ये अंजीर है जो बहुत महंगी होती है और फ्रूट खाया जाता है, ये जब ये पक के तैयार हो जाएगी तो
फिर ये बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक मेरे पप्पा ने काम किया है, जो चिड़िया वगैरह इधर आती हैं उनको पानी पिलाने के लिए ये इधर पानी डाला हुआ है, परिंदे आते हैं पानी पीते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और इसको हमारी ज़बान में अरंबी बोलते हैं, अरंबी जो पौधों को खोदने के काम आती है। और ये छोटा सा टूर था उसको पे लॉन का जो मैंने आपको बताया है। Thank you.